ओम शांति। बाहर का वायुमंडल कैसा भी हो, वातावरण कैसा भी हो, समाचार कुछ भी सुनने को आ रहे हैं, ऐसे समय पर मन की स्थिति कैसे रहती है? बाहर का वातावरण हलचल का और वो न्यूज सुनकर मेरा मन भी हलचल में आ रहा है, तो कैसे रहेगा? परिस्थिति का सामना कर सकोगे? नहीं ना? तो फिर हलचल के वातावरण को सुनते हुए, हलचल के वातावरण को देखते हुए क्या मेरा मन शांत रह सकता है? रह सकता है? अगर मन शांत रहता है तो कहेंगे शक्ति स्वरूप, क्योंकि मन शांत रहेगा ना तो ही परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। बाहर की परिस्थिति हिल रही है और मैं भी अंदर में हिल रही हूं, तो फिर चैलेंज को फेस कैसे करेंगे? और इसलिए मुझे मेरे मन को शक्तिशाली बनाना है, तो मन को एक अभ्यास अच्छा कराओ। जिस परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम उसे न्यूट्रल वे से देख सकते हैं? शुरू करो, उस परिस्थिति को साक्षी होकर देखना शुरू करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो, न्यूट्रल वे से उसे देखना शुरू करो। क्या हो जाएगा? बस मन ये सोचेगा ये सारी परिस्थिति बस एक खेल है, एक गेम है, एक ड्रामा है, नाटक है, मुझे तो साक्षी होकर देखना है। तो मन शांत हो जाएगा। अब जितना जितना आप साक्षी होकर देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, नो क्वेश्चंस, जस्ट ऑब्जर्व, तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। क्लैरिटी के साथ साथ विवेक भी अंदर का जागृत होगा। विवेक के साथ आप बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हो, यस, ये जो भी परिस्थिति आई है ना, इसके पीछे, हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, कोई ना कोई राज जरूर है, बस उस राज को समझना है। ये बीमारी क्यों आई? ये परिस्थिति क्यों आई? इस रिश्ते ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? कारण को समझो, शांति से समझो। जो राज को समझ जाते हैं ना, वो कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज नहीं होते उनकी मन की शक्ति कम नहीं होती, खत्म नहीं होती, उनका मन तो शक्तिशाली बना रहता है। और शक्तिशाली मन हर बात का सामना अच्छी तरह से कर पाएगा। तो फिर क्या करें? आज एक अभ्यास करें, हर परिस्थिति को जस्ट ऑब्जर्व करें, नो क्वेश्चंस। हर व्यक्ति को जिनका स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगता है, बस सिर्फ ऑब्जर्व करें उनके डायलॉग को और राज को समझें, मन शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओम शांति।